देखिए झारखंड में धान एक मुख्य फसल है और ज़्यादातर किसान भाई जो है वो धान को खरीफ मौसम में लगाते हैं। खरीफ मौसम मतलब यानी कि जिस मौसम में बारिश पूरी तरीके से मिलता है, यानी कि जून से सितंबर तक। तो इसमें किसान जो है वो धान को ज़मीन के तीन हिस्सों पर लगाता है। एक है आपका टार ज़मीन जो ऊंचा ज़मीन है, एक है मध्यम ज़मीन और एक है निचली ज़मीन। ऊंची ज़मीन में जो उन्नत प्रभेद धान का लगाया जाता है वो है बिरसा विकास धान 110, बिरसा विकास धान 111। इसका जो फसल का अवधि है वो लगभग 90 से 95 दिन का है और इससे औसत उपज जो है ये करीबन 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टर आपको मिल जाता है। लगाने का समय जो इसका है ये 15 से 25 जून तक का है और इसमें बीज दर जो लगता है वो 80 से 100 किलो प्रति हेक्टर होता है। इसके अलावा ऊंची ज़मीन में और भी किस्में धान का लगाया जाता है, जैसे कि बिरसा किसान 108, बिरसा किसान 109 धान, जिसमें अवधि 75 से 85 दिन का है और इसमें औसतन उपज जो है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर का मिलता है और लगाने का समय भी 15 से 25 जून तक का है। और इसमें से आपका उपज थोड़ा निचली ज़मीन का धान से थोड़ा कम आता है। मध्यम ज़मीन के लिए जो धान उपयुक्त है वो है सहभागी, IR 36, IR 64, ललित, नवीन। ये सब जो वैरायटी है इसका जो अवधि है ये 115 से 125 दिन तक का है। 125 दिन में आपका फसल काटने के लिए रेडी हो जाएगा और साथ ही साथ इसमें जो औसतन उपज है वो करीबन 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टर का मिलता है। ये तो आपने बताया कि झारखंड में धान के जो किस्म उन्नत किस्मों के बारे में बताया कि ये उन्नत किस्म है और कब लगाया जाता है। अगर धान की खेती की बात करते हैं, मुख्य तौर पे अगर हम खेतों की तैयारी की बात करते हैं, तो धान की खेती के लिए खेत की तैयारी किस तरीके से किसान करें? देखिए सबसे पहली बात है कि धान का खेती दो तरीके से होता है। एक तो है कि आप सीधी बुआई कर दीजिए जो कि आपका ऊंची ज़मीन के लिए वो उपयुक्त माना जाता है, लेकिन मध्यम ज़मीन में या फिर निचली ज़मीन में जैसे जिसमें आपका राजश्री लगता है, स्वर्ण मसूरी लगता है, MT 7029 लगता है, इसमें आपका पहले नर्सरी का तैयारी किया जाता है। नर्सरी का तैयारी में जो आपका क्षेत्रफल है वो 100 स्क्वायर मीटर का होगा और 100 स्क्वायर मीटर में आपको वहाँ पे पहले बीज को ये करना है, उसके बाद उसमें 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो सल्फर और 1 किलो पोटाश ये प्रयोग करना है। नाइट्रोजन का जो उपरिवेशन है वो 15 से 20 दिन के अंतराल पे डोज बाई डोज करना है और 21 दिन में आपका जो बिचड़ा है वो मैच्योर होके वो आपका रोपनी के लिए वो तैयार हो जाता है और उसके बाद आप नर्सरी से लेकर किसान भाई जो है उसको मेन जो आपका फील्ड बना हुआ है वहाँ पे आप लोग उसको रोपनी कर सकते हैं। रोपनी के समय आप देखिएगा कि मिट्टी में नमी अनुकूल होना चाहिए। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि किसान पहले ही धान का रोपनी कर देते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या होता है कि उस समय आपका धान का वनस्पति विकास का समय है तो उसमें आपका पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। उस समय अगर पानी नहीं होगा तो आपका फसल जो है वो खेत में ख़त्म हो जाएगा। तो किसान को पहले मौसम का पूर्वानुमान भी देखना चाहिए, उसके साथ देखना चाहिए कि ज़मीन में कितना नमी बना हुआ है, उसी हिसाब से किसान को रोपनी करना चाहिए।